बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने वीआरएस के लिया है। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी गुप्तेश्वर पांडे ने वीआरएस के लिए सरकार से आग्रह किया था, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है। डीजीपी के वीआरएस के प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। बिहार सरकार की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। वहीं सत्ता के गलियारे में इस बात की चर्चा है कि गुप्तेश्वर पांडे वीआरएस लेने के बाद अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करने वाले हैं। गुप्तेश्वर पांडे डीजीपी रहते हुए राजनीतिक बयान देने की वजह से सुर्खियों में रहते थे। हाल के दिनों में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में भी अपनी टिप्पणियों के कारण विवादों में आए थे। पूरे मामले में वो मुंबई पुलिस को लेकर हमलावर दिखे थे। साल 2009 के लोकसभा चुनाव से पहले भी गुप्तेश्वर पांडे ने वीआरएस के लिए आवेदन किया था, लेकिन उन्हें बक्सर से चुनाव टिकट नहीं मिला था, इसलिए अपना आवेदन वापस ले लिया था। वहीं 2014 में गुप्तेश्वर पांडे और बिहार पुलिस के दो कर्मियों के खिलाफ सीबीआई ने नवरुणा केस में जांच की थी। 2012 में मुजफ्फरपुर से अपने घर से 12 साल की लड़की नवरुणा चक्रवर्ती को अगवा कर लिया गया था। तब पांडे मुजफ्फरपुर के आईजी थे। उस वक्त नवरुणा 8वीं क्लास में पढ़ती थी। नवरुणा के परिवार वालों का आरोप था कि यह अपहरण भूमाफियाओं ने अंजाम दिया था, क्योंकि वो उनके घर की जमीन पर कब्जा चाहते थे। बिहार के डीजीपी बनने पर नवरुणा के पिता अतुल्य चक्रवर्ती ने कहा था, मैंने अपनी बेटी के अपहरण के मामले में गुप्तेश्वर पांडे को अभियुक्त बनाया था और अब वो बिहार के डीजीपी बन गए हैं। अब हमारे लिए कोई उम्मीद नहीं बची है। आपको बता दें कि 1961 गुप्तेश्वर पांडे का जन्म बक्सर जिले के एक छोटे से गाँव गेरुआ गाँव में ही हुआ था। 12वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करने के बाद पांडे ने पटना विश्वविद्यालय में नामांकन कराया। इन्होंने पटना यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। 1986 में आईआरएस बने। तब वह अपनी इस नौकरी से संतुष्ट नहीं थे, उन्होंने दोबारा यूपीएससी की परीक्षा दी और आईपीएस बने, जिसके बाद गुप्तेश्वर पांडे 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। 2019 में 31 जनवरी को उन्हें बिहार का डीजीपी बनाया गया था। फिलहाल उनका कार्यकाल पूरा होने में करीब 5 महीने का समय बाकी था। डीजीपी के रूप में गुप्तेश्वर पांडे का कार्यकाल 28 फरवरी 2021 को पूरा होने वाला था। 31 साल की सेवा में गुप्तेश्वर पांडे एसपी, एसपी, एसएसपी, डीआईजी, आईजी, एडीजी के रूप में बिहार के 26 जिलों में काम कर चुके हैं। अपने कार्यकाल के दौरान गुप्तेश्वर पांडे बिहार के कई बड़े जिले में पुलिस कप्तान की भूमिका में रहे। इन्हें मुजफ्फरपुर रेंज के आईजी के रूप में भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। न्यूज़ डेस्क।